राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शुक्रवार और इस टाइम पे शाम के 5:30 हो चुके हैं। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम से और पूरा दिन बस ऐसे ही चला गया, क्योंकि सुबह का काम किया, फिर वीडियो की एडिटिंग की और फिर आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे और जी भर भर के कमेंट किए, तो मुझे भी पूरी जो दोपहर थी वो मेरी कमेंट के रिप्लाई में गई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। चाहो मैं, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी आज, तो बस मैं कमेंट का रिप्लाई करती रही। अब अपने कुछ काम निपटाए हैं और मैंने सोचा कि चलो अब मैं जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे तो ये संडे में आएगा, क्योंकि कल के लिए वीडियो है मेरे पास ऑलरेडी, पहले से ही मैं जो कोथली देने के लिए गई थी तो वो वीडियो है मेरे पास, तो फिर उसकी एडिटिंग करके कल मैं वो डालूंगी और ये जो व्लॉग है वो परसों आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों का इतना प्यार देख करके। और आज अभी मैं जो सुहाड़ी है वो बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास जो बात है वो बची हुई थी तो हमने सोचा कि चलो बना लेते हैं, और खाने का मन भी हो रखा था। उस दिन उतारी थी, उस दिन वैसे मन नहीं था, फिर अगले दिन हमने सारी ही दे दी थी, मतलब रखी नहीं घर पर थोड़ी सी भी, कि हमारे लिए फिर उतार लेंगे, तो बस वही काम करना है। और एक कारण ये है कि मेरे पास कमेंट आए हैं कि दीदी आटा कैसे बनाते हैं, सुहाड़ी कैसे बनाते हैं, हमें नहीं आती, तो इस तरह के कमेंट आए। मैंने सोचा कि चलो हमारी जो सुहाड़ी है वो भी बन जाएंगी और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूंगी कि आटा कैसे बनता है और जो सुहाड़ी है वो कैसे बनाते हैं, और व्लॉग भी बन जाएगा, पहले से ही बन जाएगा। कि अब तक कल टाइम लग, कल तो खैर टाइम लगेगा नहीं, कल तो मैं बनाऊँगी भी नहीं, और बस इस वजह से। तो चलिए पहले अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी की जो बातें हैं वो करेंगे। और मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना भी है, मैं कुछ लेकर के आई हूँ, तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लास्ट में या बीच में आप लोगों को दिखा दूँगी। चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, एक परात में आटा हमने छान लिया है और उसमें डाल दिया है तेल। ये जो तेल बचा हुआ था, मेरी माँ ने ये कढ़ाई साफ़ नहीं की थी तो इसमें से थोड़ा सा ही तेल बचा था, वो हमने इसमें डाल दिया। और इसमें जो ये तेल डालना ज़रूरी होता है, जिसे हम मोयन बोलते हैं, इससे जो हमारी सुहाड़ी हैं वो नरम बनेगी, मतलब कि ज़्यादा सख्त नहीं होंगी। और ये देखिए, मतलब इस तरह का जो आटा है वो आप गूँथ लें, जो परात हमने बना के रखी थी, गुड़ चीनी आप किसी भी चीज़ की बना सकते हैं या दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं। तो जो हम मतलब कि रोटी के लिए आटा बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ लें, और इसमें कुछ भी नहीं होता। तो पहले जो तेल है वो मिला लें, तेल घी जो भी आप डालना चाहते हैं, और फिर जो पात हम बना के रखते हैं उसमें आटा गूंथ लें। बस रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त जो आटा इनका होता है। और यहाँ पे मैं जीरा भून रही थी, क्योंकि जो भुना हुआ जीरा है वो मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। और अच्छा लगता है दही में लस्सी में डालकर पीना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो आटा है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कि कैसे लगाया है, मतलब कि थोड़ा सा जो टाइट आटा है वो इसका गूंथना होता है, और फिर ऐसे जो पेड़े हैं वो बनाने होते हैं इस तरह से, मतलब जैसे आटा लिया और ये इस तरह से जो पेड़ा है वो बना करके, किसी भी साइज का आप ले सकते हैं, छोटा बड़ा, जिस साइज की आप सुहाड़ी रखना चाहते हैं, मतलब कि बड़ी रखना चाहते हैं तो बड़ा ले लें, और छोटी रखना चाहें तो छोटा ले लें, और इस तरह से बेलने, कुछ नहीं होता इसमें। कई लोगों के कमेंट आए थे कि हमें तो सुहाड़ी बनानी आती ही नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ना बनाना है, आराम से आप आटा गूंथ करके इस तरह से जो सुहाड़ी है वो बना ले, और बस तेल में तलना होता है, आराम से तल जाती है। जब ये होगी, हाँ आपकी थोड़ी सी सुनहरी सी होगी, तो उस टाइम पर आप उनको निकाल लें। तो यहाँ पे मेरी माँ मेरी हेल्प कर रही थी थोड़ी सी, मैंने कहा था कि सुहाड़ी बना देना, लेकिन बोली कि मुझे गर्मी लगी है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आटा बना करके रख दो, बाकी मैं काम कर लूँगी। मेरी माँ ने बोला कि चलो थोड़ी सी तो मैं हेल्प करवा ही देती हूँ। और यहाँ पे ज़्यादातर जो सुहाड़ी हैं वो मेरी बन चुकी हैं इस टाइम पर, बस थोड़ा सा ही आटा रहता है, बस वो भी मैं बना करके रख लूँगी। उस दिन हमने क्या किया कि हमने साथ में जो कढ़ाई थी वो चढ़ा दी, तेल गर्म हो गया तो साथ साथ में वहीं पर बैठ के बेलनी पड़ी, और गर्मी में बिल्कुल मर गए थे, बहुत बुरा हाल हो गया। लेकिन आज मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं पंखे के नीचे बैठ करके जो सारी सुहाड़ी है वो बेल लूँगी, और बना करके फिर मैं अपना तलने का काम करूंगी, क्योंकि उसमें तो ये है कि हम बीच में उठ करके पसीना भी सुखा सकते हैं, या अगर ज्यादा ही गर्मी लगे तो बीच में मैं एक दो घाण मेरी माँ भी उतार दे, तो इस तरह से हो जाएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी और हमारा काम भी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो सुहाड़ी हैं वो सारी मैंने बेल करके रख ली हैं, और अब काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया है एक बार बेल कर रखने के बाद। और यहाँ पे जो चूल्हा है वो मैंने जला लिया था, और जो तेल है मैं वो डाल दूंगी, कढ़ाई रख दी है। तो यहाँ पे जो मेरा तेल है वो गर्म हो चुका है, बस अब मैं उसके अंदर जो सुहाड़ी है वो डाल दूँगी,
और बस डाल करके जल्दी ही ये पक जाती है, इतना इसमें टाइम भी नहीं लगता। और आज जो सुवाड़ी है वो सारी फुली फुली बनी थी मेरी, बहुत फूली सारी जो सुवाड़ी, कोई भी सुवाड़ी ऐसी नहीं थी जो फूल करके ना आई हो। क्योंकि उस दिन मेरी माँ बोल रही थी कि आटा ज़्यादा ही सख्त हो गया, आज थोड़ा सा नरम नरम बनावाएंगे जिससे कि जो सुवाड़ी है वो फूल लें। और थोड़ी सी मैं जो रियल आवाज़ है वो भी सुनाऊंगी, क्योंकि अच्छा लगता है व्लॉग में अगर बीच बीच में सारी ही वॉइस ओवर हो जाए तो अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको झेरनी दिखा रही थी, बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कमेंट बहुत आते हैं कि सीमा स्टील की झेरनी ले आ, जो मेरे पास लोहे की है पुराने टाइम की वो झेरनी थी, तो ये मैं लेकर के आ गई हूँ। और भी किचन का बहुत सारा सामान मैं लेकर के आई हूँ, वो शायद इससे अगली या उससे अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा सामान दिखाने का। तो यहाँ पे देखिए जो सुवाड़ी है वो कितनी अच्छी बनी है। और मैं बता देती हूँ कि जब भी हम आपस में ऐसे बात करते हैं तो वो एक तो बोली हमारी ठेठ हरियाणवी होती है, और उस बोली में अगर हम नॉर्मली भी किसी के साथ बातें करते हैं तो वो भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गुस्से में है। क्योंकि जब भी मैंने थोड़ा सा कहीं से उड़ाने की कोशिश की तो कमेंट आ जाता है कि सीमा प्यार से बोला कर रही है, या फिर जैसे मैं मास्टर जी को पागल कह रही थी उस चीज़ पे भी कमेंट आया। तो देखिए हो जाता है, मेरे हिसाब से ज़्यादा जी जी करने से कुछ नहीं होता, दिल में प्यार होना चाहिए, वो मेरी फैमिली के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है। देखिए अपनी अपनी आदत होती है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो मेरे मुँह से पागल शब्द निकलता है, वो प्यार में भी निकल जाता है और गुस्से में भी निकल जाता है, दोनों में निकल जाता है। जब भी मैं बच्चों से भी मैं अगर प्यार में कुछ बोलती हूँ कुछ कर देती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि है पागल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पागल बोल रही थी इनको, सुखती पड़ी थी वो का मामला सुखती पड़ी थी उनको, मैं आम आयो आग कुर्ता है तू के तेरे के पसंद आ जावे है कि बुला करू मैं बरकर भी मैं ऐसे ऐसे टूट पे आऊंगी रे ने मेरी मां मैं तो मां बेरानी सके ले रही है। अच्छी है तू भी सही सही आ इस तो सुतरे सुतरे संदूक में पड़े होंगे मैं नहीं सिम के पैर लूंगी देख तो पैर ना रमा है मुंह ले लिए पर ना तो चल पैर ले बंदा कोई बात नहीं तो कर मैं बुला कर मैं आगा और सिम सिम के जरा भी मैं नहीं पैर लूंगी रंग भी कौन इसका तो कर भी हम रखा कौन है ये किसका है खरीने का फिटिंग लग गया करे माँ फिटिंग लग गया करे इनका। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को सूट दिखाऊंगी, और इस सूट पे मेरी माँ ने इतना जोर दे रखा था, इतना जोर दे रखा था, पूरा दिन हो गया आज देख के आई होगी दोपहर ने, अब सवेरे पता नहीं किस टाइम पे, सीमा इतना सूट आ रहा है, इतना सुंदर सूट आ रहा है, इतना सुंदर सूट आ रहा है, वो तो मैं तेरे खातर ज़रूर लेके आऊँगी, तेरा तो वो बहुत सुथरा लगेगा। और साथ में ना चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है, देखो प्यार होता है ये कि हाँ भी कोई चीज़ देख ली, ये होता है कि चलो हम ले लेते हैं, हमारे बच्चों पे सुंदर लगेगा। लेकिन मेरी माँ एक बात बार बार बोल रही थी करवे के लिए सूट लेकर के आऊँगी, करवे पे बहुत सुथरा लगेगा, करवे पे बहुत सुथरा लगेगा। लेकिन मैंने देखा तो सूट मेरा रिएक्शन कुछ और ही था कि माँ ये करवे पे डालने का सूट नहीं है, बहुत मतलब कि सीधे भोले लोग होते हैं गांव में, या फिर मेरी माँ तो है भी, उनको मतलब नहीं है पहचान कि हाँ ये सूट ज़्यादा महंगा है ये सस्ता है, या फिर इसका कपड़ा कैसा है, ये करवे पे डालने का है या वैसे डालने का है। ये तो बस तू मास्क खातर ले आई भाई, मास्क है इसका गला उसका कौन पसंद आवे है और वन वे का आ करे फिर मकर वे का सूट थोड़ी है, ये तो गर्मी का पहन का सूट है। और तब मैंने बैक कैमरे से दिखाया था, लेकिन मेरे को ये हुआ कि पता नहीं ढंग से आया नहीं आया, तो मैं फ्रंट कैमरे से आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए सूट अच्छा था, कपड़ा भी अच्छा था, लेकिन घर पे पहनने के लिए बेस्ट है गर्मी में। और इसके लेकर आने का कारण पता है आप लोगों को क्या था, कि इस सूट के साथ ना एक बैग था जो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ, यही दो कारण थे बस सूट लेकर के आने के, एक तो इसके साथ बैग था और एक इसके साथ ना मास्क था। तो मेरी माँ ना उसको ये हो गया कि चलो मास्क भी है और बैग भी है, क्योंकि जब कुछ ऐसा साथ में मिल जाता है तो अक्सर हम लालच में आ जाते हैं। तो ये देखिए मैं आप लोगों को लगा करके दिखा रही थी, और वो सूट मैंने दिखा दी, और अब मैं आप लोगों को दूसरा सूट दिखाऊँगी। और इस सूट का जो कलर है वो थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है वीडियो में, बिल्कुल ब्लैक कलर है, जो होता है सही ब्लैक होता है वो है।
और मेरी माँ ने ये वैसे बोला था कि ब्लैक सूट लेकर के आई है लाइन वाला, तो मैंने कहा कि चलो लेकर के आना, एक बार मैं देख लूँगी, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं रख लूँगी, वरना फिर उसका वापस कर देंगे। अब ये तो है नहीं, घर की दुकान है भाई, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो बस लेकर के आई थी और ये सूट मुझे देखते ही पसंद आ गया। कपड़ा बिल्कुल प्योर सूती सूट था ये, बिल्कुल प्योर, और बहुत ज़्यादा नरम इसका कपड़ा था और डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आ, क्योंकि इस तरह के जो सिंपल सूट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसकी जो चुन्नी देखिए, बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे इसकी जो चुन्नी थी यानी दुपट्टा था वो भी। और इस तरह का मतलब जो सिंपल सूट हो और इस पर इस तरह की थोड़ी सी प्रिंट में चुन्नी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब यहाँ पर मैं खोल करके दिखा रही थी, इस तरह से जो गले पे जो येलो बटन है वो लगे हुए हैं। हाँ तो ठीक है, चुन्नी पीड़ी है, चुन्नी अगर और रंग की होती फिर ठीक था, मैं पीड़ा मेरे को काली काली पक्के सुथरा लग रहा है। तो बस सूट देखने के बाद दोबारा से फिर मैं अपने काम पर लग गई थी, और बीच में एक दो जो घाण है वो मेरी माँ ने उतार दिया था मैंने सूट देखे उस टाइम तक, और बोल भी रही थी कि सीमा कोई बात नहीं मैं उतार दूँगी, तो मैंने कहा नहीं उठो आपको फिर पहले ही गर्मी लगी हुई है, फिर दोबारा से फिर ज़्यादा हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे भी। और ये देखो, आप लोग बोलते हो ना कि आज वीडियो में जय को नहीं दिखाया, राध्या को नहीं दिखाया, और इसको तो बदमाश को कई लोग तो बिल्कुल पसंद करते हैं कि हमें इसकी शरारतें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए, आराम से लेट जाता है इस टाइम पे और बाहर गली में ही बैठता है, अंदर भी नहीं आंगन में, बाहर बैठ जाता है और नमस्ते टाटा बाय हाथ जोड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। और अब मैं यहाँ पे इस डिब्बे में बादाम डाल दूँगी, क्योंकि ये मेरा काम पता नहीं कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा, कोथली आई थी तब लेकर के आया था भाई, वैसे तो पहले भी लेकर के आया था वो जब ये 2 साल का था। बोलते हैं ना कि मामा के हाथ के जो बादाम खुआता बच्चा बोल पड़ा, अगर नहीं बोलता तो टाइम लगा रहा हो बोलने में, लेकिन वो 2.5 साल का था, 2 साल का नहीं था, 2.5 साल का था, उस टाइम पर भी मैंने मंगवा करके खिला दिए थे। लेकिन अब किसी ने बताया है कि मामा के जो पाँव की जूती जूता जो भी होता है उसको भरवाओ पंसारी पे, और फिर वो जो बादाम है जितने बादाम जूते या जूते में आए वो तलवा करके वो लेकर के और वो खिलाओ, तो तब मतलब सत पता लगे इस चीज़ का। तो अब की बार मैंने वही मंगवाया कि भाई जूते में बादाम डलवा करके फिर लेकर के आना, और वो लेकर के आया था। तो हर रोज़ मैं भूल जाती थी भिगोना, क्योंकि ये पन्नी में रखे हुए थे, अब डिब्बे में रखे हुए तो सामने याद आ जाएंगे जब भी मैं रसोई में कुछ काम करूँगी। और 5-6 बादाम मैंने उसके लिए भिगो भी दिए हैं। नहीं बोल रही है राधा, तो काम वाम मेरा सारा हो चुका है, अब थोड़ी सी फुर्सत हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मिल लेती हूँ, वीडियो का एंड कर देती हूँ मिल करके, और थोड़ा सा जो सामान है वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है देखिए दिखाना भी, और हो सकता है कि मेरा यह सामान दिखाने से किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, किसी के मन में जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर उसको मिल जाए। और काफ़ी सारे लोग इस ड्रेस को पसंद भी करते हैं, वो लेना भी चाहेंगे, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो पहले तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, एक चैनल था कटारिया फैमिली ब्लॉग के नाम से, तो उनका चैनल हैक हो गया है। और देखिए बहुत मुश्किल घड़ी होती है ये, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है चैनल चलाना, हम लोग ही समझ सकते हैं कितनी मुश्किल से चैनल चलता है, इतना आसान नहीं होता चैनल चलाना, जी जान लगानी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, जब जाके कहीं चैनल चलता है पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है ना। अब जब चैनल चल पड़ता है तब तो खैर सबके मुंह बंद हो जाते, कोई बात नहीं होती, लेकिन जब हम न्यू क्रिएटर होते हैं तो उस टाइम पे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उस टाइम पे तो कोई भी साथ नहीं देता, क्योंकि उनको ये होता है कि मजाक ही बनाने की सोचते, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन जब चल पड़ता है तो सब साथ में चल पड़ते हैं। तो उन्होंने अब अपना जो दूसरा नया चैनल है वो बनाया है कटारिया फैमिली व्लॉग्स न्यू के नाम से, तो एक बार आप उनके चैनल पे जाके ज़रूर देखें उनकी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको इस समय पर सहयोग की। और एक मेरी सब्सक्राइबर है मोनिका शोरन, तो मुझे उनका नाम लेना था, हेलो मोनिका कैसी है बहन। और एक कमेंट मेरे पास आया है सुहाना की आईडी से, कमेंट आया है कि मेरा नाम प्रमिला है और 18
जुलाई को हमारी एनिवर्सरी है। वैसे तो ये वीडियो 19 जुलाई में जाएगी क्योंकि 18 जुलाई की जो वीडियो वो बन चुकी है, इस वजह से हैप्पी एनिवर्सरी बहन। भगवान आपको खुश रखे, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करें, भगवान आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, और हम सबका जो आशीर्वाद है, प्यार है, दुआएं हैं, आपके साथ हैं, आप हमेशा खुश रहो। अगर किसी का नाम रह जाता है गलती से तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, बुरा मत मानना क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मेरी वजह से मेरा किसी सब्सक्राइबर को थोड़ा सा भी दुख होता है। और ये जो सूट है वो मैंने रख लिया है, बताना आप लोग कि कैसा लगा, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा मुझे येलो चुनने से होता है, पूछूंगी मैं अपने सिस्टर से, अगर इसके साथ रेड चुनने वाला होगा सूट होगा तो वो मैं ले लूँगी, और ये मैं अपनी जो ननद है उसके लिए रख दूँगी। अगर नहीं होगा तो फिर एक सूट और हमने मंगवा लिया मेरी ननद के लिए, तो ये मैंने रख लिया है। ज़रूर बताना आपकी आप लोगों को कैसा लगा ये। अब मैं आप लोगों को जो बच्चों की ड्रेस है वो दिखा देती हूँ जो मेरी ननद ने दी है। और देखो भाई, अब दिखाने का देने वाला सामान दिखा दिया तो लेने वाला भी दिखाना बनता है, क्योंकि ये तो है नहीं, जो दिया है वो दिखा दिया और जो ले लिया वो दिखाया ही नहीं। तो यही होती है हमारी ज़िंदगी, जो भी लेते हैं, जो भी देते हैं, जो भी खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। तो एक जो ड्रेस है वो ये है इस तरह से, और काफ़ी अच्छा है इसका कपड़ा, बहुत अच्छा है। वीडियो में कपड़ा तो खैर समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा है। और ये है इसके नीचे की इस तरह से, तो ड्रेस तो अच्छी हैं, लेकिन ये वो आराध्या के लिए लेकर के आई थी, लेकिन आराध्या को ये नहीं आएगी, अभी भी नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेकर के आ गए हैं तो जय को काम आ जाएगी, अगले साल काम आ जाएगी, या फिर अभी भी आ जाएगी जय को तो खैर। और दूसरी ड्रेस जय ने डाल ली है, यहीं पर पड़ी थी ये वाली, और अच्छी हैं दोनों ड्रेस। और जैसे गर्मी के हिसाब से सही है। अब दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को जो सामान मैं लेकर के आई हूँ वो। तो एक तो मैं लेकर के आई हूँ पैरों के लिए, ये जो पैरों में डालते हैं, और इनका रेट भी मैं साथ साथ में बता देती हूँ। ये आए हैं 170 रुपये के, पूरा रेट इनका 170 रुपये में उन्होंने दिए हैं, और जितना रेट उन्होंने बोला था उसी रेट में दिए, 10 रुपये भी उन्होंने कम नहीं लिए किसी भी चीज़ के। और पहले हम गए तो मैंने पूछा सामान, तो उन्होंने बोला कि कितने पीस लेने हैं, उन्होंने सोचा कि किराए पर लेने के लिए, फिर मैंने सोचा कि नहीं हमें तो एक एक चीज़ चाहिए, तो फिर उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे ये सामान, हम तो अगर आपको लेना है तो हम बनवा देंगे स्पेशल बोल करके, हम अपना सामान नहीं बेचते क्योंकि ये हमें मतलब कि कमा करके देता है, ये तो हमारा एक आदमी ही है। इस तरह की बात उन्होंने की कि हम अपने आदमी को नहीं बेच सकते, ये सामान हमारे लिए कमा करके लेकर के आता है, तो इस तरह की बात है। कि फिर मैंने कहा भैया इतने दूर से आए हैं, मेरा तो कोई मन ही नहीं था इसार जाने का, मतलब कोथड़ी वगैरह देकर जाने का, स्पेशली इसी सामान के लिए मैं गई थी, तो फिर मैं थोड़ी सी मायूस हो गई थी। फिर मैंने बोल भी दिया था कि चलो कोई बात नहीं, नंबर तो है इनका, हम फ़ोन कर देंगे, जो भी चीज़ हमें बनवानी होगी ये बनवा देंगे। लेकिन फिर पता नहीं उनका कैसे मूड हुआ, मैंने बोला कि ये तो दे दो कम से कम, फिर बोला हाँ ले लो, हम कब मना करें। और फिर उन्होंने धीरे धीरे सभी चीज़ों के लिए हाँ भर दी कि हाँ सारी चीज़ें आप ले सकते हो, हम दे देंगे। और एक लेकर के आई हूँ मैं तागड़ी, इस तरह से है। और ये आई है 550 रुपये की, पूरे 550 की उन्होंने दी है, और मैं लेकर के आई थी वो 200 रुपये की दी थी यहाँ टोहाना से, बस उसको ये है, देखी भी होगी खैर कुछ लोगों ने, तो बस ये जो ऊपर वाली चैन है और उस चैन के नीचे ये हैं, ये लटक रहे हैं, वो 200 रुपये की आई थी, तो उस हिसाब से तो ठीक भी है, देखो उससे तो ये कई गुना हैवी है, और 550 की ये आई है। और जो गले की टूम है वो मेरी सारी है, गंठी, गलसरी, माला, जो भी होता है वो सब कुछ है मेरे पास, और जो बोरला है वो भी है, चुंडे भी हमने बना रखे हैं 3-4 जो नकली चोटी हैं वो लेकर के, और मेरी माँ ने बना दिए थे वो। और एक लेकर के आई हूँ मैं दुपट्टा, और दुपट्टा मुझे महंगा लग रहा है, पता नहीं क्यों दुपट्टा मुझे ये लग रहा है घर पे आने के बाद कि शायद उन्होंने महंगा लगा दिया, तो ये जो दुपट्टा है वो मैं लेकर के आई हूँ ये वाला, ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, और हाँ ये उन्होंने दिया है 750 रुपये का, 750 रुपये का ये अकेला दुपट्टा उन्होंने दिया है।
वैसे मैं बढ़ा भी सकती थी इसको, मैं अब तो ये सोच रही हूँ कि मैंने खाम खाई पैसे लगाए, क्योंकि कपड़ा ये नॉर्मली वही कपड़ा है, कोई खास बात इसमें है नहीं। और ये जो फूल आते हैं वो भी मिल जाते हैं, मैंने एक ब्लैक चुन्नी पे लगा रखे हैं, घर पर ही मैंने लगाए थे लेकर के, और ये भी मैंने बनाए थे उसमें डिब्बे से, और ये लेस भी लगाई थी। तो सारा जो जैसे इस चुंदड़ी में काम हो रखा है वही काम मैंने सेम उसी चुंदड़ी में करा। और मैं बोल रही थी पूरी ड्रेस के लिए, तो पूरी ड्रेस बोली थी उन्होंने 3300 रुपये की। उसमें क्या क्या था, दामन, खैर दामन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और हैवी भी था। ये नहीं था, मैं सोच रही थी कि लहंगा टाइप में ही देते हैं वो, सिर्फ मतलब जैसे जो राजस्थानी ड्रेस होती है ना उसमें डालती हैं लहंगा डालती हैं वो देते होंगे, लेकिन उनका जो दामन था वो सेम इसी तरह के जो दामन हमारे घर पे होते हैं इसी तरह का था, और इनसे नीचा भी था और अच्छा भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये जाते रहते हैं स्कूल के काम से तो रेट तो उनका फिक्स ही है, अगर रेट में कुछ होती, क्योंकि आदमी को देख के थोड़ा सा हो जाता है, मुझे ये था कि कहीं ये महंगा ना लेकर के आए इसलिए मैं इनसे नहीं मंगवा रही थी। अब तो पता चल चुका मुझे भी, वो इतने ही रेट में देंगे और इनको भी इतने ही रेट में देंगे। मैं बता देती हूँ, मैं भूल गई बात करते करते, हाँ उस ड्रेस में दामन, कुर्ता, चुंदड़ी और बोरला, और एक गले में था डालने के लिए, और एक जो गंठी टाइप होता वो, यानी दो गले की थी, बोरला था, और कानों में थे छोटे छोटे कुंडल और सागड़ी, और ये कितने आइटम हो गए, उन्होंने बोला था 3 वो और 2 ये 5 6 7 8, हाँ 9 आइटम थे उनके 3300 रुपये में। वैसे तो अगर अलग अलग के हिसाब से देखें तो वही ठीक था, है ना, क्योंकि ये सामान भी मेरा 1450 में पड़ा है और इसमें तो 3 ही आइटम है, और दामन तो और भी महंगा मिलेगा, इन चीज़ों से भी महंगा ही मिलेगा वो। तो देखूंगी, पूरी ड्रेस तो मुझे देखो लेनी ही है, वैसे तो हो गई एक ड्रेस तो मेरे पास, लेकिन वो दामन और कुर्ता है वो भी मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। मेरे हिसाब से तो मैंने सारी जो बातें हैं वो बता दी हैं इस ड्रेस के बारे में, लेकिन अगर फिर भी किसी के मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और जिस दिन ये वीडियो जाएगी संडे में तो उस दिन है शिवरात्रि, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि, भगवान शिव मेरे सभी सब्सक्राइबर की सभी इच्छाएं पूरी करें, उनको हमेशा खुश रखें। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।